चाहे कैजुअल फ्लिंग्स हो या सच्चे प्यार की खोज, टिंडर पर एवरी वीक मोर देन 10 लाख डेट्स अरेंज होती है। 75 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स से भरे इस प्लेटफॉर्म पे लगभग डेली बेसिस पे 1.6 बिलियन राइट या लेफ्ट स्वाइप्स होते हैं और आज तक इस पर 30 बिलियन से भी ज़्यादा मैचेस हुए हैं। तो जब कभी हमें कोई मैच मिलता है टिंडर पे, वी गेट दैट डोपामाइन रश इनसाइड अस। लेकिन वॉट इफ ये डोपामाइन रश एक गशिंग मर्डर में बदल जाए। दो लोग, दो अनजान जिंदगियां, दो कहानी और दो अलग झूठ। इस सब का अंजाम बना एक ऐसा क्राइम जिसके बाद लोगों ने ऑनलाइन डेटिंग एप्स पर आग बंद करके विश्वास करना छोड़ दिया। इन दिस वीडियो वील नो दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स हु वर फ्रॉम द पिंक सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, दैट वन्स हैंड वर डिप्ड इन अनदर्स ब्लड। टेल ऑफ डबल फेस्ड विक्टिम एंड मर्डरर। इस कहानी के तीन मेन कैरेक्टर्स हैं, 26 साल के दुष्यंत शर्मा जो एक कर्तव्यपूर्ण पति और पिता थे, विवान कोहली जो एक मिलियनर बिजनेसमैन थे, और प्रिया सेठ जो विवान कोहली की टिंडर डेट थी। यहाँ सेकेंड में 2018 को दुष्यंत शर्मा अपने घर तो आ गया था, लेकिन हड़बड़ी में वापस वो अपने घर से निकल गया था ये कहकर कि उसको कुछ काम आ चुका है, और वो अपने पिता रामेश्वर शर्मा की मारुति ऑल्टो लेकर जयपुर के शिवपुरी एक्सटेंशन से निकल पड़ा। और यहाँ प्रिया सेठ अपने फ्लैट में वेट कर रही थी विवान कोहली का। जब विवान कोहली उसके फ्लैट पर पहुंचे तब उन्होंने देखा कि प्रिया के साथ वहाँ और दो मर्द थे जो काफ़ी वेल बिल्ड थे। पहले विवान कोहली को ये लगा कि शायद वो इंट्रूडर्स है, लेकिन बाद में विवान को ये पता चलता है कि वो दोनों ही मर्द प्रिया के साथ है और विवान एक टिंडर डेट नहीं बल्कि एक ट्रैप में फंस चुका है। ही वॉज किडनैप्ड बाई हिज टिंडर डेट एंड हर 21-year-old accomplices। उसी रात लगभग 10 बजे जब दुष्यंत अपने घर नहीं लौटा था, उसकी फैमिली काफी ज्यादा चिंतित हो गई थी। और ये चिंता एक रियलिटी में तब बदली जब रामेश्वर शर्मा जो दुष्यंत के पिता थे उनको एक रैंसम कॉल आया, वो भी दुष्यंत के नंबर से। फोन पर दुष्यंत ही था लेकिन वो गिड़गिड़ा रहा था। ही वॉज शिवरिंग आउट ऑफ फियर एंड आस्किंग हिज फादर फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ 10 लाख रुपीज और एल्स ही वुड बी किल्ड। जैसे ही दुष्यंत ने ये बात अपने पिता को बोली, प्रिया सेठ ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और रामेश्वर शर्मा को गाली देने लगी। और इसी के साथ साथ प्रिया सेठ ने उनको ये भी धमकी दी कि अगर ये बात पुलिस तक पहुंची तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। दुष्यंत या विवान, असलियत में किडनैप कौन हुआ था? ये दुष्यंत और विवान के बीच में कन्फ्यूजन हो रहा है, राइट? क्योंकि घर से तो दुष्यंत निकला था, तो प्रिया सेठ के घर विवान कैसे पहुंचा? यही सेम कन्फ्यूजन था प्रिया सेठ को, लेकिन दुष्यंत दो जिंदगियां जी रहा था। उनको अपनी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा मोनोटोनस लग रही थी और उनकी वाइफ बिट्टू का ये कहना है कि दुष्यंत को नई चीज़ें ट्राई करना बहुत पसंद था। तो अपनी मैरिड लाइफ की इस मोनोटोनस जिंदगी से बाहर निकलने के लिए दुष्यंत स्टार्टेड यूजिंग द डेटिंग ऐप कॉल्ड टिंडर। टिंडर पर उन्होंने इसका कंप्लीट ऑपोजिट प्रोफाइल बनाया था, जहाँ पे ही पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज अ मिलियनेयर बिजनेसमैन हु वॉज वेरी चिल्ड एंड हैविंग अ लॉट ऑफ फन इन हिज लाइफ। दुष्यंत शर्मा ने अपने टिंडर प्रोफाइल का नाम रखा था एज विवान कोहली और फरवरी 2018 में उनका मैच हुआ प्रिया सेठ के साथ। जल्द ही वो दोनों डेट करने लगे और इसी दौरान दे वेंट ऑन अ लॉट ऑफ कॉफी डेट्स। प्रिया सेठ बिलीव दैट विवान कोहली एक्चुअली में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वेयर एल्स विवान कोहली दैट इज दुष्यंत शर्मा बिलीव दैट प्रिया सेठ एक बहुत ही अच्छी गुड हार्टेड लड़की है हु हैड फॉलन इन लव विथ हिम एंड नॉट हिज फेक मिलियनेयर पर्सोना। दुष्यंत एके विवान कोहली को इस बात की भनक नहीं थी कि वो खुद एक प्री प्लान्ड मर्डर में चल के जा रहा है जो कि उसके लिए बना भी नहीं था। प्रिया सेठ ऑलवेज एम्ड फॉर रिच गाइस। जिस रात उसने रामेश्वर शर्मा को कॉल करके 10 लाख की मांग की थी, उसी रात रामेश्वर शर्मा ने 10 लाख के बजाय सिर्फ 3 लाख का अरेंजमेंट किया और दुष्यंत शर्मा के अकाउंट में सारे पैसे डाल दिए। और 4 मई 2018 को दुष्यंत शर्मा की डेड बॉडी मिली राजस्थान के एक डेजर्टेड एरिया में। द मर्डर प्लान। प्रिया सेठ ने ये मर्डर अपने 21 साल के बॉयफ्रेंड दीक्षांत कामरा के साथ मिलकर प्लान किया था। दीक्षांत कामरा वॉज अ 21-year-old फेल्ड एक्टर एंड अ डेट रिडन मॉडल जो मुंबई से जयपुर शिफ्ट हो गया था। दीक्षांत और प्रिया दोनों की मुलाकात फरवरी में टिंडर पर हुई थी और जल्द ही उन दोनों के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड फॉर्म हो गई, इसलिए अब वो गांधीनगर के एक अपार्टमेंट में रहने लगे। दीक्षांत पर लगभग 20 से 25 लाख का कर्जा था। इस कर्जे से छुटकारा पाने के लिए दोनों लव बर्ड्स ने एक प्लान बनाया कि वो किसी अमीर इंसान को फंसा कर उसे लूट लेंगे, और दीक्षांत ने इस प्लान में अपने एक दोस्त लक्ष्य वालिया को भी इन्वॉल्व कर दिया। प्लान बहुत ही सिंपल था, किसी रिच आउटसाइडर को प्रिया की टिंडर प्रोफाइल यूज करके फंसाना, फिर उसे डेट पर बुलाकर उसे किडनैप करके 10 लाख की मांग करना और जैसे ही पैसे मिल जाए उसे छोड़ देना। लेकिन दुष्यंत की ये दोगली जिंदगी इस पूरे कहानी में एक मर्डरर ट्विस्ट लाने वाली थी।
जब दुष्यंत ने प्रिया और उसके दोनों अकम्प्लिसेस को ये बताने की कोशिश की कि वो विवान कोहली नहीं है, ना ही वो कोई मिलियनेयर बिजनेसमैन है, बल्कि वो एक साधारण सा प्रोजेक्ट मैनेजर है, तब पहले तो प्रिया ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि प्रिया को ये लगा कि शायद वो अपने पैसे बचाने के लिए ये सब कह रहा है। लेकिन जब उनको उसका ड्राइवर्स लाइसेंस मिला और उसके दूसरे डॉक्यूमेंट्स पर दुष्यंत शर्मा का नाम दिखा, प्रिया न्यू दैट दे वर डूम्ड। तो जितने पैसे उनको चाहिए थे उतने पैसे दुष्यंत के पास नहीं थे, और तो और दुष्यंत एक लोकलाइट था। इसका मतलब ये था कि अगर उसको छोड़ भी दिया जाए तो शायद दुष्यंत इस पूरे कांड के बारे में सबको बता दे और वो तीनों इसमें फंस जाए। इसलिए कंसिडरिंग ऑल द वर्स्ट पॉसिबिलिटीज, प्रिया, दीक्षांत और लक्ष्य ने ये सोचा कि अब दुष्यंत को एलिमिनेट करना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। देयर वर टोटल 3 हॉरिफाइंग अटेम्प्ट्स टू किल हिम। दीक्षांत ने सबसे पहले दुष्यंत को स्ट्रैंगल करने की कोशिश की, उसके बाद उसने उसके मुंह पर पिलो रखकर उसको सफोकेट करके मारने की कोशिश की, लेकिन जब दुष्यंत ने हार नहीं मानी तब दीक्षांत ने उसे फ्रूट नाइफ से 11 बार स्टैब करके मार दिया। लेटर ही वॉज पैक्ड इन अ सूटकेस एंड थ्रोन अवे एज इफ ही इज एनीथिंग बट अ ह्यूमन। रामेश्वर शर्मा हैड लॉस्ट हिज लास्ट सन आफ्टर द डेथ्स ऑफ हिज 2 एल्डर सन्स, जिसके अंदर पहले की मौत बचपन में हो चुकी थी और दूसरे की एक एक्सीडेंट में। 4 मई को रामेश्वर शर्मा ने जब 3 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, उसी रात उनको SMS हॉस्पिटल से कॉल आया था टू आइडेंटिफाई द बॉडी, और जब वो वहां पहुंचे तब उन्होंने देखा कि उनके बेटे दुष्यंत का चेहरा पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, लेकिन कपड़े और बिलोंगिंग्स के वजह से दुष्यंत को पहचान लिया गया। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, दुष्यंत की बॉडी के बाजू में एक लाल धागा और कुछ तालिस्मान थे एंड देयर वर सम एस्ट्रोलॉजिकल रिंग्स जो दुष्यंत के पिता ने उसको दिए थे बुरी नजर से बचने के लिए, लेकिन किसे पता था कि उनके बेटे का नसीब किसी और के लालच का शिकार बनने वाला है। प्रियाज ब्राइट बट बर्स्टेड पास्ट। प्रिया और कामरा ने दुष्यंत का मर्डर करने के पहले उससे उसका ATM कार्ड छीन कर पिन पता कर ली थी, और जब रामेश्वर ने प्रिया को फिर से कॉल किया ये बताने के लिए कि 3 लाख रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं, तब उन्होंने SBI ATM से 25,000 रुपीज विड्रॉ कर दिए, क्योंकि दैट वॉज द सेट लिमिट। दे ऑल्सो बॉट अ फेक नंबर प्लेट फॉर दुष्यंत ऑल्टो, लेकिन गांधीनगर स्टेशन पर पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया। दे वर चार्ज्ड विद मर्डर, किडनैप, extortion and elimination of evidence. जब प्रिया और दीक्षांत के घर की छानबीन हुई तब पुलिस को वहां पे जो भी मर्डर एविडेंसेस थे वैसे के वैसे मिले। पूरे घर में खून के छींटे फैले हुए थे, बियर बॉटल के टुकड़े पड़े हुए थे और सारे चिप्स के पैकेट्स भी खाली थे। पुलिस ने उस अपार्टमेंट में लेडी सैंडल्स भी देखे जो लगभग 35,000 to 80,000 रुपीज के थे। प्रिया का बचपन राजस्थान के एक छोटे से गाँव फालना में गुजरा था, देन हाउ डिड शी मैनेज टू अफोर्ड दीज एक्सपेंसिव थिंग्स। She grew up in a middle class family with her father being a college professor. उनके हिसाब से प्रिया बचपन में बहुत ही ज़्यादा intelligent student थी, और आज भी उनके shelves प्रिया के trophies और medal से भरे हैं। होनार होने के साथ ही साथ प्रिया बहुत ज़िद्दी भी थी। अगर किसी चीज़ की ज़िद पकड़ ली तो जब तक वो ना मिले तब तक प्रिया शांत नहीं बैठती थी। बात बात पर गुस्सा होना, घर की चीज़ें फेंक कर उन्हें तोड़ देना और कोई भी चीज़ पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, चाहे वो सही हो या गलत, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो प्रिया के ब्राइट और ब्यूटीफुल चेहरे के पीछे का राज था। जब अपने हायर एजुकेशन के लिए प्रिया अपने छोटे से गांव से निकलकर जयपुर जैसे बड़े शहर में गई, तब वहाँ के ग्लैमरस लाइफस्टाइल ने उसको करोड़पति बनने का एक सपना दिखाया, और वो उस सपने में पूरी तरीके से अंधी हो चुकी थी। महीने के कुछ 20,000 रुपए उसके पापा उसको भेजा करते, लेकिन एक लड़की जिसको एक एलीट की तरह रहना था उसके लिए 20,000 क्या ही पैसे थे। प्रिया ने न्यूज़पेपर में छपे जॉब्स में अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन वो काफ़ी गलत लोगों के बीच में फंस चुकी थी जो कॉलेज की लड़कियों को रिक्रूट करते थे इन द नेम ऑफ देम बीइंग एस्कॉर्ट्स, और इसके लिए उनको पैसे भी दिए जाते थे। वो इस दुनिया में काफी ज्यादा घुल चुकी थी। जल्द ही उसने खुद की एस्कॉर्ट सर्विसेज की वेबसाइट शुरू कर दी, जहां पर उसने अपने क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड किया बाय टेकिंग मनी फ्रॉम देम इन एडवांस एंड नॉट लेंडिंग द सर्विसेज। ये कुल 1,75,00,000 का घोटाला किया था प्रिया ने। दीक्षांत, जो लिटरली प्रिया का पार्टनर इन क्राइम था, उसका ये कहना है कि दुष्यंत को मारने का पूरा प्लान प्रिया का था। दे हैड अग्रीड ऑन लेटिंग हिम गो, लेकिन प्रिया ने इस चीज का मना कर दिया और प्रिया ने ही उसका मर्डर किया। अकॉर्डिंग टू हिम ही हैड रियलाइज्ड द वाइल्ड नेचर ऑफ हिज गर्लफ्रेंड एंड ही वांटेड टू लीव हर। उसे भी प्रिया ने झूठ बोलकर फंसाया था कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करती थी, बट इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू लीव हर। प्रियाज ब्लंट एटीट्यूड टूवर्ड्स हर डीड्स। दीपिका भारद्वाज ने इस पूरे इंसिडेंट पर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो सिर्फ इस रीजन की वजह से चिलिंग है, प्रिया के ब्लंट आंसर्स और उसकी गिल्टलेस स्माइल। शी ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर विश टू किल हर एक्स बॉयफ्रेंड इंस्टेड ऑफ दुष्यंत।
8 साल में उसने ऐसे करीब 1000 अमीर लोगों को फंसाया है और वो इस चीज़ को एक्सटॉर्शन नहीं मानती है। प्रिया के हिसाब से वो अमीर लोगों को एस्कॉर्ट सर्विसेज में फंसा कर एक सोशल काम कर रही है, क्योंकि अमीर लोग अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कॉल गर्ल्स को बुक करते हैं। जयपुर के कोर्ट में भी जब तीनों आरोपियों को पेश किया गया था, तब प्रिया के फेस पर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। प्रियाज जेंडर प्रिविलेज लेड टू दुष्यंत्स मर्डर। दुष्यंत के मर्डर केस के पहले भी पुलिस ने प्रिया को 3 बार अरेस्ट किया था। एक बार अपने क्लाइंट को चीट करने के लिए, दूसरी बार एटीएम मशीन को गैस कटर से काट कर वहाँ के सारे पैसे चोरी करने के इल्ज़ाम में, और तीसरी बार अपने बॉयफ्रेंड को एक फेक रेप केस में फंसा कर 7.5 लाख रुपये लूटने के लिए। इतनी बार जेल जाने के बाद भी वो हर बार बेल पर छूट जाती और अमीर लोगों को लूटना कंटिन्यू करती। हैड प्रिया बीन टेकन सीरियस फॉर हर क्राइम्स, शायद दुष्यंत का मर्डर नहीं होता। दुष्यंत के मर्डर केस में तीनों को अरेस्ट कर लिया गया था और प्रिया को कस्टडी में रखने के लिए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को फिर से एक बार सारे एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़े थे, इवन आफ्टर नोइंग हर अर्लियर क्रिमिनल बैकग्राउंड। हमारे देश में क्राइम अगेंस्ट वीमेन लगभग 3,70,000 से भी ज़्यादा है, रेंजिंग फ्रॉम ईव टीजिंग टू ब्रूटल रेप्स एंड मर्डर्स। इतने बड़े नंबर के सामने कई बार ये देखना मुश्किल हो जाता है कि बहुत सारे केसेस में वीमेन इज द मेन कल्प्रिट, लीडिंग टू इनजस्टिस अगेंस्ट द इनोसेंट पार्टी। जब अपने एक्स बॉयफ्रेंड को झूठे रेप केस में फंसाने के लिए प्रिया को अरेस्ट किया था, तब उसे सिर्फ 1 हफ्ते में बेल मिल गई थी, इवन आफ्टर हर गोइंग टू एवरी एक्सटेंट टू थ्रेटन हिज फैमिली मेंबर्स। ये सारे फैक्ट्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब हम इंडिया में जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, तब क्या ये सब कुछ मेन और उनकी मेंटल हेल्थ पर लागू होता है? Women have suffered a lot in this patriarchal society for centuries, but some women have been taking advantages of concepts like feminism and gender equality, spoiling the concept itself. जिस तरह हम मेन के अगेंस्ट हो रहे ऑपरेशन को सीरियसली नहीं लेने के लिए कंडीशन किए जा रहे, उस हिसाब से हमारे सोसाइटी में कभी भी जेंडर इक्वालिटी नहीं आ पाएगा। विमेन को सेफगार्ड करने के लिए बनाए लॉज सिचुएशन को मैनिपुलेट करने के लिए यूज नहीं किए जा सकते, एंड वी एज अ सोसाइटी एंड अ डेमोक्रेटिक नेशन शुड मेक श्योर ऑफ इट। सो टेल अस इन द कमेंट सेक्शन कि आपके लिए जेंडर इक्वालिटी ट्रूली क्या होता है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग videos.